जा रहा है अपना नया स्मार्टफोन। हे फैमिली, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं अपना चैनल हर्ष किम का। सर, वन प्लस लॉन्च करने जा रहा है अब अपना नया स्मार्टफोन वन प्लस जेड। लॉन्चिंग डेट कब है इंडिया में, प्राइस कितना है, डिज़ाइन क्या है, फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे हमें वन प्लस जेड में, दोस्तों वही जान पाएगा जो वीडियो के आखिरी तक बनेगा। और हाँ, ये जो फीचर्स वगैरह प्राइस वगैरह इसके रूमर्स आ चुके हैं, डिज़ाइन बिल्कुल वही आएगा जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़े स्पेसिफिकेशंस में या प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं, आखिरी में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, वन प्लस का 5G स्मार्टफोन वन प्लस जेड जो लॉन्च होने वाला है, उसकी जो लॉन्चिंग डेट है इंडिया की, वो जुलाई आई है, 15 या 20 जुलाई के करीबन ये लॉन्च होएगा। डेट आगे पीछे हो सकती है, आपको पहले भी देखने को मिल सकता है या लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। यार, सबसे पहले बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें फ़ोन में देखने को मिलेगा, आपको 765 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आपने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं करा तो वेबसाइट को विजिट करो जाके, वहाँ पर भी मैंने ब्लॉग डाला है, उस भी मैं आपको देख के बता रहा हूँ। मैं स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों। वन प्लस के स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की तारीफ तो क्या ही करूँ, कि मैं खुद वन प्लस 60 यूज़ कर रहा हूँ, 7 भी मेरे पास है, 5 भी मेरे पास है, मैं खुद वन प्लस का मेंबर हुआ है फैमिली। तो यार, फ़ोन तो बहुत बढ़िया निकलते हैं। अब बहुत से लोग को मन में क्वेश्चन आएगा पबजी कैसे चलेगा, तो दोस्तों यार, स्नैपड्रैगन के फ़ोन में जो पबजी होता है वो सबसे बढ़िया चलता है, तो वन प्लस बढ़िया काम कर रहा है, तो इसमें पबजी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। और अब बात करें 5G की, तो हाँ, 5G कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। जब 5G आ जाएगा तो वन प्लस आप इसमें यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रैम की बात करें तो यार, आपको 8GB की रैम मिलेगी, 128GB की स्टोरेज। नॉर्मल वेरिएंट है मेरे हिसाब से वो यही होगा, या इससे नीचे वाला वेरिएंट मुझे लगता है वन प्लस को लॉन्च करना चाहिए। देखते हैं वन प्लस अब इससे नीचे वाला लॉन्च करता है या इससे ऊपर वाला स्पेशल एडिशन भी लेके आता है। अभी थोड़े रूमर्स ही हमें हाथ लगे, अभी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर आपको नहीं पता हो तो वन प्लस ने अपना वन प्लस जेड बुलेट नाम से वायरलेस हेडफोन्स भी लॉन्च करे है। आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी जाके देखो, वो भी बहुत बढ़िया लॉन्च करे है भाई। वो भी देख के मतलब एक तरह से मज़ा आ चुका है देखते। दोस्तों, बैटरी की बात करते हो, आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। फास्ट चार्जिंग तो हर बार प्रोवाइड करता है, पर बैटरी बहुत बढ़िया। क्या मैं खुद यूज़ करता हूँ तो यार, बैटरी इतनी जल्दी कम नहीं होती और चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से चार्ज होता है फ़ोन। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन हाँ, इस बार आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है दोस्तों। गोरिल्ला ग्लास मतलब फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा, एक बार गिरने के बाद भी आपको कोई चांस नहीं है टूटने का, तो मतलब काम वन प्लस बढ़िया कर रहा है। यार, मुझे तो वन प्लस बहुत पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वन प्लस पसंद है या नहीं पसंद है। पसंद है तो यार कब खरीदने वाले हो फिर वन प्लस का फ़ोन। अब बात करें इसके प्राइस की, तो यार प्राइस कितने के प्राइस रेंज में ये फ़ोन आएगा, जो लीक्स आया दोस्तों उसके हिसाब से तो ये 34,990 का आएगा स्टार्टिंग। अब मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है प्राइसिंग यही होगी, स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB 128GB यही मेरे हिसाब से होगा। ऊपर नीचे हो सकता है देखने में, पर लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। डिज़ाइन तो आपने देखा है स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही डिज़ाइन होने वाला है वन प्लस की तरफ से। डिज़ाइन बढ़िया है, बिल्कुल सैमसंग लग रहा है दोस्तों पीछे से, तो सैमसंग जैसे नए फोन लॉन्च करे अपने ट्रिपल कैमरा के साथ, तो वही वैसा ही लग रहा है। इन फिंगरप्रिंट आपको इसमें डिस्प्ले वही सेंसर मिलेगा जो वन प्लस 67 या उसमें आगे स्मार्टफोन्स में आया है। वन प्लस 5 में आपको बाहर जो बटन है उसमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो वन प्लस 60 के आगे के वेरियंट्स है। तो बस यार, यही थे, आपको वन प्लस जेड का प्राइस बता दिया, 34,900 ऐसा कुछ ही प्राइस देखने को हमें मिलेगा। पबजी खेल सकते हो आप इसमें बहुत बढ़िया, क्योंकि स्नैपड्रैगन का आपको एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें एक ऊपर वाला प्रोसेसर आएगा स्नैपड्रैगन का। डिस्प्ले की बात करें तो 6 इंच से भी ज़्यादा की डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी गोरिल्ला ग्लास के साथ। रैम बात करें 8GB की रैम, बैटरी 4000 mAh की बैटरी वाइज विद फास्ट चार्जिंग बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं आगे क्या वन प्लस क्या निकालता है, ये रूमर्स एक तरह से इस पर अभी थप्पा नहीं लगा वन प्लस का कि यही चीज़ आएगी, अभी पोस्टर भी नहीं आया, देखते हैं पोस्टर क्या आता है, कैसे निकालता है वन प्लस फ़ोन। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आप वेट कर रहे हो कि वन प्लस का। और दूसरी बात, जो वन प्लस का वेट कर रहे हैं या जिनको खरीदना है वन प्लस, जो जुलाई तक वेट कर सकते हैं, वो वन प्लस जेड के लिए ज़रूर वेट करिए, बिल्कुल वर्थ फ़ोन है, आप कर सकते हो वन प्लस जेड के लिए वेट। लेकिन अगर जिनको कोई और फ़ोन लेना है वो और फ़ोन ले सकते हो। अगर वन प्लस में आप जाना चाहते हो अभी, तो यार मैं रिकमेंड करूँगा जुलाई तक का वेट करो, नए वेरियंट बहुत बढ़िया आएगा वन प्लस जो जेड आएगा, मतलब बिल्कुल तबाही कहते हैं ना, टर्बो मोड वाला वो सीन होएगा वन प्लस में। तो देखते आगे क्या होता है, तब तक के लिए यार साइन आउट।